जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा से संबंधित। भारतीय इतिहास, यूनान, रोम, जर्मनी, डेनमार्क का इतिहास, ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट्स। जी हाँ, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? 7 मई 1961 को। जी हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई? सही उत्तर 776 ईसा पूर्व ग्रीक से। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई? सही उत्तर 1896 एथेंस से शुरुआत हुई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन शुरुआत में एनाटॉमी के मैंने डाल दिया तो भड़किएगा नहीं इससे। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन्स की फैक्ट्री कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम को। कोशिका के इस भाग को प्रोटीन्स की फैक्ट्री कहते हैं जिसकी खोज पायलट ने किया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? आपके उत्तर आने चाहिए, सही उत्तर क्या होगा? लाइसोसोम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी किसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? आपके उत्तर का इंतजार, ऑस्टियोलॉजी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? सही उत्तर 3 प्रकार के। बिल्कुल सही सोचा आपने। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, शुरुआत में कुछ क्वेश्चन एनाटॉमी के हैं, उसके बाद फिर आपके फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री की बात की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्कोमियर। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन की फुल पीडीएफ के लिए यहां पर दिए गए नंबर पर आप जानकारी कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है? सही उत्तर सेलुलोज। आप भी सोचते रहिए, गेस करते रहिए। जीन्स का संवहन कब होता है? तो जीन्स का संवहन जो है गर्भाधान के समय में होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पुरुष और स्त्री की संयुक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर गैमेट्स। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, केंद्र बिंदु न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? बहुत सही जवाब दिया आपने, रॉबर्ट ब्राउन। आंखों में कौन सेल का कार्य बताइए? आंखों में कौन सेल का काम क्या होता है? तो एक का काम है, यह रंगों का वर्गीकरण करता है। क्या बात है। अगला क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, या ये जीव रस के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? सही उत्तर 120 दिन का होगा। जी हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जी हाँ, अब बात करते हैं, जी हाँ, अब आपके हिस्ट्री यानी फिजिकल एजुकेशन के हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक एनाटॉमी के कुछ क्वेश्चन थे। 1947 से पहले भारत में कितने शारीरिक संस्थान थे? तो सही उत्तर 4 शारीरिक शिक्षण संस्थान थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? तो सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक गतिविधि। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, ये किसने कहा था? चार्ल्स ए वुचर ने कहा था। अगला महत्वपूर्ण, स्नाइपर्स का साई में विलय कब हुआ था? सही उत्तर 1987 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, YMCA की स्थापना कब हुई बताएं? सही उत्तर हो जाएगा HC बक के द्वारा 1920 मद्रास चेन्नई में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं? तो सही उत्तर टेनिस की। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सही उत्तर होगा लुडविग जॉन ने शुरुआत किया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कॉल कपूर ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो सही उत्तर हो जाएगा एंगमैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1844 ईस्वी में।
जी हाँ, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जी संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते कुंजरू समिति की गठन, जी हाँ कुंजरू समिति का गठन किस वर्ष किया गया था ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही 1961, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ कब हुआ, तो सही उत्तर 1984 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छता कोर को भारत में बोर्ड द्वारा कब मान्यता मिली, सही उत्तर 1965-1966 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा एनसीसी को भारत में लागू किया गया, सही उत्तर भारतीय अधिनियम 1948। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को कब मान्यता दी गई, सही उत्तर 1882 हंटर शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1932 में, सबको याद है। अगला क्वेश्चन, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में कब हुई, सही उत्तर 1954 ईस्वी में। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो सही उत्तर हो जाएगा 1920 एचसी बक द्वारा मद्रास में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाने वाला परीक्षा में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा, इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, बचेंगे जो प्रश्न उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जी हाँ, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है, जी हाँ आपने उत्तर पहले ही देख लिया, कॉल्डवेल कुक को। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में, जी हाँ कब शुरू हुआ, सही उत्तर, क्या बात है, 7 मई 1961, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ, सही उत्तर का इंतजार, सही उत्तर 1957, सही जवाब। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहां किया गया था बताएं, तो सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, SGFI का गठन दिसंबर 1954 कर्नाटक में किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, NSNIS का पूरा नाम बताइए, एक बार पढ़िए गुनगुनाइए, सही उत्तर हो जाएगा नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये है NSNIS का पूरा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा 1909 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, NCTE की स्थापना कब हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1995। जी हाँ, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, जी बताएं, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए, तो सही उत्तर होगा NSNIS का डिप्लोमा, यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से डिप्लोमा। चलिए अगला क्वेश्चन, मनोरंजक सिद्धांत किसने दिया, मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था, GTW पैट्रिक ने दिया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ताराचंद कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया, सही उत्तर 1948 में। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एडहॉक कमेटी, यस एडहॉक समिति का गठन कब किया गया था, एडहॉक समिति का गठन कब किया गया, 1947 में किया गया था, बिल्कुल सही जवाब। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, सही उत्तर एथेंस से। जी हाँ अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती। जी हाँ अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? तो सही उत्तर इसका क्या होगा, 1954 में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टर्न वेरियन आंदोलन को शुरू किया था किसने? लुडविक जॉन ने। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।